गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल ते आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका, सिर्फ आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, और सभी भारतवासियों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, और उन लोगों को भी जिन्हें मैं फर्जी डॉक्टर मानता हूं, लगता हूं। या मुझे बोलते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ अपना, आप तो फर्जी डॉक्टर लगते हो। क्या बोलूं यार, मुझे ना हंसी भी आती है तुम लोगों पे। ज़्यादा भाई गूगल पे टाइप कर लो, हैं डॉक्टर एन कालरा, डॉक्टर नवनीत कालरा, आजकल सबकी कुंडलियाँ होती हैं वहाँ पे, देख लो यार मैं कितना फर्जी हूँ। और तुम्हें अपना सर्टिफिकेट दिखा के, तुम्हारा इंसान होने का सर्टिफिकेट मैंने मांग लिया ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम क्या हो। चलो, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, नेगेटिविटी से दूर रहना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इसीलिए इन लोगों को भी नमस्कार। और एक टॉपिक आज का क्या है, गा के सुनाऊंगा और आपको पता लगाना। वैसे नीचे लिखा हुआ आ जाता है यार, क्या बताऊँ, फिर भी मेरी आदत है कि कुछ टॉपिक को मनोरंजक बनाने की। तो गा के सुनाता हूँ तो आप टॉपिक का पता लगाना। रूना लैला जी का एक बहुत पुराना सूफी सॉन्ग है, और पता नहीं जब से पैदा हूँ तब से सुनता आ रहा हूँ। धमा दम मस्त कलंदर, धमा दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, धमा दम मस्त कलंदर। अब टॉपिक नाम समझ गया, नहीं समझ में? अरे दमा, दमादम। दिमाग देखो भाई साहब, मैं कहाँ कहाँ लगाता हूँ। तो टॉपिक है दमा, यानी हिंदी में दमा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अस्थमा बोलते हैं, और कहते हैं कि दमा दमंग दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा है और कुछ में नहीं है। पहले बताऊँगा आपको सिम्टम्स कि दमा पहचाने कैसे, लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन रीज़न है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दमे को अचानक बढ़ा देती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा कि आपके दमे या अस्थमा अचानक बढ़ क्यों जाता है, और या क्या ऐसे कारण हैं जिनसे दूर रहें और भूलकर भी ना करें उन चीज़ों को। तो पहले तो सिम्टम बताता हूँ और कितने टाइप का दमा होता है। दमा वैसे दो तरह का होता है, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। एलर्जिक अस्थमा को ठीक करना ज़रा आसान होता है, जो नॉन एलर्जिक होता है उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, जो बच्चों में जो अस्थमा होता है, तो वो कुछ बच्चों में, 50% बच्चों में, अंदाजे से बता रहा हूँ, जब वो बड़े होते हैं 15 साल के, 12 साल के, 14 साल के, तो ठीक हो जाता है। तो ये उनकी, मतलब ये आपका लक है, कौन से बच्चे में ठीक होगा किस में नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हद तक 50% के आसपास बच्चों में, आगे जब बड़े होते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जो दमा बाद में होता है अडल्ट्स में, है ना, 30 साल के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद, 25 के बाद, उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो उनका इलाज काफ़ी लंबा चलता है। पहली चीज़ तो ये। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगाएं कि आपको दमा है? एक तो खांसी का बार बार होना, ठीक है, उसके साथ छाती में से एक ऐसा लगता है कुछ साउंड आ रही है वीजिंग की, करके दिखाऊं, करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी बचपन में रह चुका है और अभी भी हल्का फुल्का है, एक ऐसी साउंड आती है। सुनाई दी आपको? चलो, वीजिंग साउंड आती है और ऐसा लगता है कोई भारीपन है अंदर से, कुछ घुटन सी महसूस होती है और सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो ज़्यादा सांस फूलेगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बार बार होता है, एक बार नहीं, ये बार बार होता है। कई लोगों को हर साल होता है, कई लोगों को कुछ महीने होता है बार बार, कई लोगों को तो रोज़ ही होता है। तो जिनको रोज़ होता है और बार बार हर रोज़ ही परेशान रहते हैं बेचारे, उसको कहते हैं क्रॉनिक परसिस्टेंट अस्थमा, वो थोड़े प्रॉब्लम वाली बात होती है जिनको रोज़ होता है। तो मेडिसिन जो होती है अस्थमा की, दो तरह की होती है, एक प्रिवेंटिव की, उसको रोकने की दवाई दो, और जो सूजन आ जाती है हमारी ब्रोंकस में उसकी कम करने की दवाई दो, और एक टेम्परेरी दवाई दो जिसको खोलने के लिए। तो ये अलग विषय है, मैं सिर्फ वो बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे दमा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो बताता हूँ क्या नहीं करना है आपको। पहली चीज़ तो वही जो मैं बार बार बोलता हूँ, सुट्टा यानी स्मोकिंग, इससे दूर रहें। एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव, मतलब कि जो साथ में पी रहा है उससे भी दूर रहो भाई। अगर आपके हस्बैंड सुट्टा मारे हैं, आप थोड़ा दूरी बना के रखो, इतनी मत बना लेना कि कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। मजाक करता रहता हूँ। तो एक स्मोकिंग, और जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं, जो प्रेगनेंसी है, आजकल फैशन हो गया स्मोकिंग का, लेडीज़ भी खूब पीती हैं, तो उनसे बोलूँगा भाई आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा इसको अवॉइड करें। दूसरा, डस्ट यानी एलर्जी, पॉल्यूशन। अब दिल्ली में तो पूछो ही मत, एक गाना है गा के सुनाता हूँ आपको, मधुबन खुशबू देता है, एक गाना था एक, आप एक बार मधुबन चौक चले जाओ हमारे दिल्ली में, आपको पता चल जाएगा।
अच्छा ना खाते हो वापस आ जाओ, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन इतनी बदबू देता है, मधुबन चौक है यहाँ पे रोहिणी में। तो डस्ट, डस्ट से एलर्जी होती है, तो डस्ट से दूर रहें, और पोल्यूशन से कैसे बचना है भाई वो तो बहुत लंबा टॉपिक है, तो डस्ट से भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तीसरा होता है परफ्यूम, इधर 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 नहाना है नहीं, और गर्लफ्रेंड से मिलने पहुँच गया डेट पे, इधर मार दिया उधर मार दिया, भाई तुम डेट पे तो पहुँच गए और तुम्हें अस्थमा था, खूब मार लिया, क्यों इंप्रेशन भी तो डालना है ना, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। आप डेट पे जाने से पहले हॉस्पिटल पहुँच जाते हो, क्योंकि परफ्यूम जो होता है, जो स्मेल होती है उसकी, वो अस्थमा को बढ़ा देती है। तो मुझे भी है, तो मैं कभी लगाता ही नहीं भाई, जिसको सूंघना है सूंघे, जिन्हें दूर रहना दूर रहे। तो परफ्यूम से भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चौथा, कोई इन्फेक्शन, फीवर, अचानक कोई इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अस्थमेटिक पेशेंट अगर आपको फीवर तेज आ रहा है तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम अचानक बढ़ सकती है। पांचवा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, स्ट्रेस। यस, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा काम करने से, और मेंटल स्ट्रेस। कई बार कुछ बच्चे मेरे पास एग्ज़ाम के आसपास आते थे जिनको अस्थमा हो जाता था, बढ़ जाता था, तो देखा एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस हो जाता था कि उनको सांस लेने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी, तो जब उनको हमने स्ट्रेस रिलीवर मेडिसिन साथ में दी तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई आगे नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में। तो स्ट्रेस से भी ये बढ़ जाता है, ठीक है, टेंशन से भी बढ़ जाता है। छठा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। अब जिम पहुँच गए आप बिना डॉक्टर से पूछे, और लगे अपना सलमान खान बनने, इधर इतना वजन उठा लिया, उधर उठा लिया, उठा लिया, उसके बाद खुद ही उठ गए, सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए। तो अगर आपको अस्थमा है तो अपने डॉक्टर से पूछ के जिम ज्वाइन करें, और धीरे धीरे करें, जो भी एक्सरसाइज करें ज़्यादा जोश में आके मत करें, ठीक है। हंसी आ रही है मुझे। पांचवा है मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अस्थमा को बढ़ा देती हैं, जैसे कि एस्प्रिन, एस्प्रिन नाम की दवा जो आपके अस्थमा को, दमा को बढ़ा सकती है। दूसरा, बीपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं लाइक एटिनोलोल, प्रोपिनोलोल, ठीक है, तो वो भी आपके अस्थमा को बढ़ा सकती हैं। हाँ, और लास्ट में, लास्ट में दारू, अल्कोहलिक। कई बार ये भी रात को सीधा हॉस्पिटल पहुंचा देता है, दो चार पैग लेने के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं पेशेंट। तो जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं भैया, सोच के पियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक अस्थमा के ऊपर, कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपके दमे को बढ़ा देते हैं। और मैं चलता हूँ, फर्जी डॉक्टर अपनी डिग्री लेने जा रहा हूँ दिखाने, उस बंदे को जिसने मेरी डिग्री पूछी थी। मुझे हंसी के अलावा कुछ नहीं आता, इन लोगों पे तरस ही आता है, सच बता रहा हूँ। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनको बेचारों को टाइप करना भी नहीं आता और दूसरों की डिग्रियाँ पूछते हैं। भाई मैं तो अपनी डिग्री दिखा सकता हूँ आपको, आप अपने इंसान होने की डिग्री दिखा दो मुझे, आप में कितनी इंसानियत है। आप लोग बोलते हो ना, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेडिकल में और कितना करप्शन है, उस पर भी वीडियो बनाओ। भाई पहले आप लोग, सब लोग ना अपने अपने जो जिस फील्ड में हो, सब अपने अपने करप्शन की बातें बताओ मुझे, तो मैं भी बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बता दिया है, आप भी बताओ ना, एक फील्ड मुझे बता दो जिसमें करप्शन ना हो। और आप चिल्लाते हो ये नेता करप्ट है, चुन के भी तो आप ही भेजते हो, क्यों भेजते हो? इसका मतलब आप भी करप्ट हो, जो करप्ट नेताओं को चुन के भेजते हो तो इसका मतलब आप भी करप्ट हो, क्योंकि आप अपना पर्सनल देखते हो, मेरी जात का, मेरी समाज का, मेरे धर्म का। तो मुझे मत सिखाओ कि ठीक क्या गलत क्या है, ठीक है। अगर हम अपने अंदर झांक के देख लेना कि हम कैसे हैं, तो भाई साहब दुनिया ही बदल जाएगी। दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हूँ चिकना घड़ा, बोलते रहो, लेकिन मुझे अपना काम करना है। भाई ऐसा है, जिसको अपना काम करना है ना, वो सीधा निकल लेता है। मैं तो मस्त, मुझे तो मज़े आते हैं इन लोगों की बातें सुन सुन के। मुझे गाली दो, जो मर्जी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा फिर आने वाला है एक नया प्रोग्राम लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ अगली बार, ठीक है। और ऐसे ही बने रहो यहीं पर, और इसको सब्सक्राइब कर दो। फर्जी इसीलिए लगता हूँ यार, मैं डॉक्टर लगता ही नहीं हूँ, क्या करूँ, भगवान ने मुझे इतने सारे टैलेंट दिए है, बोलने का अलग दिया है, दिखने का अलग दिया है, कपड़े मैं पहनता नहीं डॉक्टर जैसे, तो कहाँ से डॉक्टर लगूंगा आप लोगों को, लेकिन मेरे पेशेंट्स को पता है। और यार एक बात आऊँ, दिल से असली हूँ, डिग्री असली है, लेकिन मैं दिल से असली हूँ, जो बात बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। कड़वी हो तो भाई कोई बात नहीं, कड़वी दवा समझ के ले लेना, आपके भले के लिए बोलूँगा जो भी बोलूँगा। और मुझे भगवान बनाने की कोशिश मत करना भाई, मैं इंसान ही ठीक हूँ। बाय दोस्तों, बाय, शुभादी शवा गैर, और फिर सबको नमस्कार। बाय, अभी रिमोट काम कर जाए तो बहुत बड़ी बात है।